Okay, so I'll read the explanation of section 51 regarding what Palak has written. Okay, she's written, simultaneous performance or reciprocal promises as given in section 58-51, which states that when a contract is contract consisting of reciprocal promises which are to be performed simultaneously, a promisor need not perform his set of promise until the promisee agrees and is willing to perform his set of promises. Correct. Matlab kya? Promisor tab tak perform nahi karega jab tak promisee ne perform kiya hai, ya at least he is ready and he is willing to perform. Theek hai? To ab agar mujhe pata hai ki aap perform nahi karne wale ho, to main perform karungi kya? The answer is no, right? So I will not perform till you show the readiness and the willingness to perform, right? This is all given in section 51. Kya likha hai? When a contract consists of reciprocal promises. Ek contract mein hamesha reciprocal promises hi hote hain, right? Usually. So promisor tab tak perform nahi karega unless the promisee is ready and willing to perform. To mujhe aapke andar ek readiness, ek willingness दिख के आना चाहिए. ठीक है, मैं तब तक परफॉर्म नहीं करूंगी जब तक आप रेडी नहीं हो जाते हो और जब तक यू आर नॉट विलिंग टू परफॉर्म. ठीक है, सिंपल. दिस इज आई थिंक जनरल पॉइंट है सेक्शन 51. अगेन नाउ सेक्शन 52 स्पीक्स ऑफ ऑर्डर. ठीक है, अब अगर मैं ऑर्डर की बात करती हूँ तो यहां पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट आई विल परफॉर्म देन यू विल परफॉर्म. तो यहां पर मैं पहले कौन परफॉर्म करेगा? मैं. तो यहां पर मैं वन हूं and then you will perform. तो ये order fixed है, right? और in case if you are first one to perform, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी one. Then जब तुम्हारा performance खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं perform करूँगी. So यहाँ पर order fixed है again. यहाँ पर भी order fixed है. तो first point में order fixed है कि पहले कौन perform करेगा, बाद में कौन perform करेगा. Second point में order fixed नहीं है. ठीक है, तो क्या होगा? That we have to see in these two points. Okay. Order of performance is in section 52 states that when the order is expressly fixed, then they should perform in the same order. Correct. जहाँ पर order fixed है, तो perform कैसे करोगे? जिस order के हिसाब से आपने fix किया है, उसी order के हिसाब से आपको perform करना है. ठीक है? Let's read it. Where the order is expressly fixed, they must perform in that order. ठीक है? जितना highlight किया है, उतना आप underline कर लो. Where the order has been expressly fixed, then they must perform in that order. अच्छा, अब बिफोर आई स्विच टू द सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए इज टू डिजाइन एंड स्टिच अ सूट फॉर बी एट अ फिक्स्ड प्राइस. ए इज प्रॉमिस टू मेक द सूट शुड बी परफॉर्म बिफोर बी प्रॉमिसेस टू पे. तो पहले आप मुझे सूट बना के दोगे, उसके बाद मैं आपको पैसे दूंगी. तो यहाँ पर ऑर्डर क्या है? फर्स्ट यू विल मेक द सूट एंड देन आई विल पे यू. तो फर्स्ट ऑर्डर इज योर्स देन इज माइन. करेक्ट. सो दिस इज द एग्जाम्पल. यस, पॉइंट टू. पॉइंट टू में क्या है? जहां पर ऑर्डर फिक्स्ड नहीं है. एंड इफ द ऑर्डर इज नॉट फिक्स देन इट शैल बी परफॉर्म्ड इन द ऑर्डर व्हिच रिक्वायर्स द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन. करेक्ट. हाँ, व्हिच में भी इंडिकेटेड. पॉइंट टू पढ़ लेते हैं क्या लिखा है पॉइंट टू में. जहां पर ऑर्डर फिक्स्ड नहीं है. करेक्ट. जहां पर ऑर्डर फिक्स्ड नहीं है उस केस में कैसे परफॉर्म करोगे? देन प्रोमिसेस मस्ट बी परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन. ठीक है, तो जैसे यू रिमेम्बर कल हमने डिस्कस किया था टाइम के बारे में. जहां पर टाइम फिक्स नहीं होता तो उसका आंसर क्या था? रीजनेबल टाइम. राइट, ये भी इसी तरह का पॉइंट है. जहां पर ऑर्डर फिक्स नहीं है तो जो ट्रांजैक्शन के हिसाब से जिसको पहले परफॉर्म करना चाहिए वो पहले परफॉर्म करेगा एंड देन द लेटर विल परफॉर्म. ठीक है, स्टॉक. करेक्ट, और वो उसको पैसे देगा. पैसे कैसे देगा वो? बी प्रोमिसेस टू गिव सिक्योरिटी. करेक्ट, तो यहाँ पर पहली चीज क्या होगी? पहले आप स्टॉक बेचोगे या पहले आप सिक्योरिटी लोगे? पहले हम सिक्योरिटी लेंगे. करेक्ट, उसके बाद ही हम स्टॉक सेल करेंगे. सिक्योरिटी आने के पहले हम स्टॉक बेचेंगे क्या? नहीं. तो फर्स्ट क्या होगा? तो अब इसमें ऑर्डर फिक्स था क्या? नहीं, ऑर्डर फिक्स नहीं था. हमने इसको कैसे पहचाना? अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन. राइट, देखो यहाँ पर भी लिखा है एज पर द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स दैट A shall have security before he delivers the stock. मतलब सिक्योरिटी पहले जाएगी
स्टॉक आप बाद में सेल करोगे तो व्हाट इज द ऑर्डर ओवर हियर, फर्स्ट यू विल गिव द फर्स्ट यू विल टेक द सिक्योरिटी एंड देन यू विल सेल द स्टॉक, ठीक है। ये एग्जांपल को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ओके, नाउ दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 53, ठीक है। When reciprocal promise is done between two parties, then even if one party is preventing the other, the suffering party is liable to get compensation. Perfect. क्या लिखा है यहाँ पर? Effect of one party preventing the other from performing. अगर आप simply सिर्फ example भी read करते हो, तो इन दोनों के बीच में contract होता है, right? But फिर जब वो painter उसके घर पर आता है, he keeps the house locked, ठीक है? तो यहाँ पर A is preventing from, he is preventing the performance of the painter. करेक्ट। इसमें पेंटर क्या करेगा, ही विल अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम कॉम्पनसेशन। वर्ड क्या है, एंड है और नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट को तो फिर आप छोड़ दोगे पर कॉम्पनसेशन भी लोगे, क्यों? क्योंकि पेंटर का तो टाइम वेस्ट हुआ, वो तो रुका था, वो तो रेडी था पेंट करने के लिए, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो इफेक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, राइट, एंड द पार्टी हु वाज प्रिवेंटेड कैन क्लेम कॉम्पनसेशन। बस इतना इतना ही शॉर्ट में लिखना, from the other party for loss which he has sustained in consequence of non-performance, ठीक है? क्या क्या loss sustain किया होगा उसने? उसने हो सकता है material खरीदा हो, उसका time गया हो, right? तो ये सारे losses हैं painter के, तो वो उससे सब compensation ले लेगा Mr. A से, okay? So this was all about section 53. Yes, Ayusha बोलो आप, section 54. You will speak? Okay. Ma'am, is it okay if I read the example first? Section 54 states that it's about effect of default as to promise to be performed first. Emphasis on first. Okay. So let's read the example. Mr. A hires Mr. B's transport truck to carry from Mumbai to Pune certain goods which are to be provided by Mr. A. तो यहाँ पे एक पार्टी है मिस्टर ए, जिसने एक ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है मिस्टर बी की, उसको हायर किया है उसके गुड्स मतलब मिस्टर ए के गुड्स पहुंचाने हैं पुणे को मुंबई से, एंड मिस्टर ए हैज टू सप्लाई द गुड्स बिकॉज उसके गुड्स ट्रांसफर करने हैं। नाउ मिस्टर ए डज नॉट प्रोवाइड द गुड्स, सो ही कैन नॉट क्लेम परफॉर्मेंस फ्रॉम मिस्टर बी। बट इधर मिस्टर ए ने गुड्स दिए ही नहीं मिस्टर बी को, तो फिर वो ट्रांसफर करेगा कैसे? नाउ मिस्टर ए कैन नॉट एक्सपेक्ट मिस्टर बी टू परफॉर्म द प्रॉमिस, दैट परफॉर्म प्रॉमिस ऑफ ट्रांसफरिंग द गुड्स। बट इन केस ऑफ एनी लॉस सफर्ड बाय मिस्टर बी, इट विल हैव टू बी कॉम्पनसेटेड फॉर बाय मिस्टर ए, बिकॉज गलती है मिस्टर ए की, उसने नहीं किया परफॉर्म प्रॉमिस, तो फिर अब तो फिर अभी वो उसको कॉम्पनसेट करेगा बी को। सो लेट्स रीड द कंटेंट, वेयर द नेचर ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस इज सच दैट वन ऑफ देम कैन नॉट बी परफॉर्म्ड टिल द अदर पार्टी हैज परफॉर्म्ड हिज प्रॉमिस देन। लाइक इन दिस एग्जांपल वी सॉ दैट मिस्टर बी कैन नॉट परफॉर्म हिज प्रॉमिस अंटिल मिस्टर ए गिव्स द गुड्स, मिस्टर ए प्रोवाइड्स द गुड्स। इफ द अदर पार्टी to perform it, that is Mr. A in this example, he cannot claim the performance of the reciprocal promise from the first party. Now, Mr. A cannot claim the performance of reciprocal promise from Mr. B. In such a case, the other party must make compensation to the first party. Mr. A must compensate Mr. B to the contract for any loss which the first party may sustain by the non-performance of the contract, because A breached the contract, he didn't supply the goods. So yes. Basically, this section is trying to say that when a promiser who is supposed to perform his promise before the other party, Mr. A has to perform his promise first and he fails to perform it. So here, the party which fails to perform his promise cannot claim performance from the other party which is supposed to perform later. And कुछ भी loss होगा, so he'll have to compensate. ठीक है, चलो फिर आप ही explain कर लो section 57 भी, that is also easy. पढ़ लो एक बार चाहिए तो. हाँ, I'll read. Reciprocal promise to do things legal and also other things illegal. Section 57.
where the parties reciprocally promise, firstly, to do certain things which are legal, and secondly, under specified circumstances, to do certain things which are illegal. The first set of promises is a contract, but the second is a void agreement. Obviously, because first mein sab kuch legal tha, essential elements sare hai contract ke, so that is a contract. But in the second ones, if they are making a contract and if they are promising each other to do something illegal, it will be declared as a void agreement. Correct. Example, Mr. A agrees to sell his house to Mr. B for rupees 20 lakhs, but if Mr. B uses it as a gambling house, now gambling is an illegal activity, he shall have to pay rupees 30 lakhs. Here the first set of reciprocal promises, that is to sell the house and pay rupees 2 lakhs, is a contract. This is valid. But the second set of reciprocal promises, that is Mr. B may use it as a gambling house, it is a void agreement. Correct. तो मतलब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक ही ट्रांजैक्शन में दो चीजें बताई हैं, जिसमें से फर्स्ट सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस लीगल हैं, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा प्रॉपरली, और जो सेकेंड पार्ट है दैट इज यहाँ पर गैम्बलिंग, दैट बिकम्स अ वॉइड अग्रीमेंट. ठीक है, क्योंकि दिस रिलेट्स टू इलीगल एक्टिविटीज. तो अगर ऐसा कुछ है दैट ऐसा नहीं होगा कि पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड अग्रीमेंट माना जाएगा, जो फर्स्ट सेट है वो प्रॉपर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो सेकंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस है दैट विल बी वॉइड अग्रीमेंट. ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर वॉइड अग्रीमेंट बोला है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला है, क्योंकि इलीगल एक्टिविटीज का कभी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है क्या? द आंसर इज नो, वो अग्रीमेंट तक ही रुक जाएगा, इसलिए इट बिकम्स अ वॉइड अग्रीमेंट एंड नॉट अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. आई होप दिस इज क्लियर. क्योंकि जब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन अग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का बनता है जब इसके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है, राइट? तो अग्रीमेंट तक तो तुम पहुंच जाओगे, पर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या कभी? नहीं. क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें इन्फोर्सिबिलिटी नहीं आएगी. सो दिस इज ऑलवेज अ वॉइड अग्रीमेंट एंड नॉट अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. सो वेन एवर यू रीडिंग, अंडरस्टैंड दिस पार्ट. I'm not asking you to learn it, but understand it. Learn करोगे तो हो सकता है exam में void याद रहे, फिर सोचो कि void agreement है या contract है. तो if you remember this logic, this drawing of mine, जो हम एक पूरा flowchart बनाते थे, उस हिसाब से if you connect, you will be able to understand that whether it is a void agreement or a void contract. ठीक है? I hope all the rules are clear enough. तो ये बस आपको एक दो तीन बार बस read करना है. ठीक है, यूजुअली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जितने एक क्वेश्चन आ सकता है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस में से, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, क्लासिफिकेशन आ सकता है. ठीक है, तो हमने थ्री टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस वी वो ऑलरेडी डन यस्टरडे. बस एक ये लास्ट वाला बचा था, राइट, 4.4 वाला. अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, बट लेट्स रीड इट. ओके, क्या दिया हुआ है हेडिंग, लास्ट पॉइंट ऑफ यूनिट 4, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट परफॉर्मेंस. आई रीड, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38, वेयर अ प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, देन प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस. अगर आप कहीं ना कहीं देखते हो ये वापस रिपीटेड चीजें हैं, मतलब क्या, यहाँ पर मैं आपको बोलती हूँ कि मैं परफॉर्म करने के लिए रेडी हूँ, पर आप मुझे मना कर देते हो. क्या लिखा है, एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, देन द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस. सुनो, आई रिपीट अगेन, यहां पर मैंने आपको बोला कि मैं परफॉर्म करने के लिए रेडी हूं, ठीक है, आप मना कर देते हो, तो आपके मना करने के बाद मैं कंटिन्यू करूंगी क्या? आई विल ऑल्सो स्टॉप. तो कैन यू ब्लेम मी फॉर नॉन परफॉर्मेंस? नहीं ना, मैं क्यों रुक गई? क्योंकि आपने मना किया, करेक्ट. अब आपके मना करने के बाद क्या मैं कंटिन्यू करूंगी? No, I will not continue. So my question is, after you telling me a straight no, I will also stop. So can you blame me for stopping? Can you blame me? मैं रुकी क्यों? क्योंकि आपने मना किया. अब उसके बाद मुझे ही वापस blame करोगे क्या? नहीं ना. तो देखो वही लिखा है, the promisor is not responsible for non-performance. तो अगर मैं बाद में उसको contract को cancel कर देती हूँ या रुक जाती हूँ, तो उसके बाद will you blame me for not performing? No. Why did I first stop? मैं रुकी क्यों? क्योंकि आपने मना कर लिया, राइट? यू हैव, यू डिड नॉट एक्सेप्ट, देन उसके बाद कैन यू ब्लेम मी? द आंसर इज नो. सो यू कैन नॉट ब्लेम मी, हेंस आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस. बस इतना ही दिया है सेक्शन 38 में, बाकी को चाहिए तो कट कर लो,
दिस इज द क्रक्स ऑफ सेक्शन 38. बाकी देखो नीचे बहुत जनरल चीजें लिखी हुई हैं कि अगर मैं जब आपके पास आती हूँ, मैं जब आपको ये कहती हूँ दैट आई एम रेडी टू परफॉर्म, सो आई शुड से इट अनकंडीशनली, मैं कोई कंडीशंस नहीं रख सकती हूँ. देन आई शुड मेक द ऑफर एट अ प्रॉपर टाइम एट अ प्रॉपर प्लेस अंडर सच सर्कमस्टेंसेस. देन ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, नहीं भी लर्न करोगे तो भी चलेगा. लास्ट लाइन देख लो, an offer to one of the several joint promises has same consequences an offer to all of them. मतलब क्या, अब सुनो, यहाँ पर मुझे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है तीन लोगों के साथ, ठीक है, वन टू एंड थ्री. ये तीनों का सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, और यहाँ पर मैं हूं. तो मैंने जाके आई वेंट एंड अप्रोच्ड दिस पर्सन, ठीक है, मैंने किसको जाके अप्रोच किया, इसको जाके अप्रोच किया. तो लास्ट लाइन में क्या लिखा है कि अगर आप सिर्फ एक को भी अप्रोच करते हो ना, दैट विल होल्ड इक्वल इंपॉर्टेंस एज इफ यू हैव अप्रोच्ड ऑल ऑफ थ्री ऑफ देम. ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि मुझे तीनों से इंडिविजुअली जाके पूछना पड़ेगा. अगर मैंने किसी एक से भी पूछ लिया, राइट, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा इफ ही सेज अ यस, या अगर वो मना कर देता है तो कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज हो जाएगा. मुझे तीनों से इंडिविजुअली जाके पूछने की जरूरत नहीं है. व्हाई? बिकॉज ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर इन अंडर द नेम ऑफ अ सम पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, सो इफ आई मेक एन ऑफर टू वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसेस, दिस विल हैव सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एज ऑफर टू ऑल ऑफ देम. ठीक है, सो आई डोंट नीड टू अप्रोच इंडिविजुअली ऑल थ्री ऑफ देम. I can go and ask simply any one partner of the firm. If he says a yes, contract has been entered between whom? Between me and the partnership firm, not that person, right? या अगर फिर ये मना कर देता है तो यहाँ पर partnership firm ने मना कर दिया, ऐसे माना जाएगा. ठीक है, because इसका नाम नहीं आएगा, नाम किसका आएगा? Partnership firm का आएगा. ठीक है, so I think this is all. देख लो एक बार वो index, जो ये synopsis दिए होते हैं, कुछ आई डोंट थिंक कि कुछ बाकी है इसमें. एक बार फिर से टिक मार्क कर लो. बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू बी परफॉर्म, दिस इज इम्पोर्टेंट. सक्सेशन असाइनमेंट इज इम्पोर्टेंट. उसके बाद इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है. लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर, ये हमने ऑलरेडी किया है. अप्रोप्रिएशन के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्लस थ्योरी भी आ सकता है. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्वेश्चन. And I would say even this is important, which need not be performed. जो बाकी बच्चे हैं वो उनको सिर्फ रीड कर लेना दो तीन बार. And also we do not go according to the trends. So the ones which I have not marked, it's not कि आपको skip करना है, but you can keep it at a low priority. ठीक है? Okay. चलो आज एक quickly introduction देख लेते हैं unit 3 का. डिटेलिंग हम कल से ही स्टार्ट करेंगे. जस्ट अ क्विक इंट्रोडक्शन, पहले सिनॉप्सिस देख लो एक बार. कम टू द सिनॉप्सिस. ओके, तो दिस द इंट्रोडक्टरी पार्ट विच वील सी टुडे. अब हमको पता है ना कि हु आर, अब कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टीज होनी चाहिए. आई विल से मिनिमम टू, राइट. मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, राइट. मैक्सिमम तो डिफाइंड नहीं है, पर मिनिमम दो लोग होने चाहिए. और ये जो दो लोग हैं वो कौन होने चाहिए? They should be major, sound mind and not disqualified from contracting. Correct? तो हमको इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है. तो ये जो दो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट के, इनके कुछ एलिजिबिलिटी नॉर्म्स होते हैं. करेक्ट? क्या एलिजिबिलिटी नॉर्म्स होते हैं? कि माइनर नहीं होना चाहिए, इनसेन नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, इडियट नहीं होना चाहिए, राइट. एंड यू शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग. ठीक है, तो ये सब के बारे में, दिस स्पीक्स ऑफ द Eligibility of the parties of contract, ठीक है, जो पहला हिस्सा है यूनिट थ्री का. तो ऐसे आप समझ सकते हो कि दिस पर्टिकुलर यूनिट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. वन स्पीक्स ऑफ द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स, ठीक है. उसके बाद क्या है, दिस मेजर यूनिट फोकसेस ऑन द वर्ड कंसेंट. ठीक है, कंसेंट मतलब क्या? मेरे ऊपर ना कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना ही है आपके साथ. You should not have any pressure. अगर हम एक contract बना रहे हैं so हम दोनों का free consent होना चाहिए कि मैंने हाँ क्यों बोला है, क्योंकि मेरी इच्छा है contract करने की. आपने हाँ क्यों बोला है? Because there is equal willingness in you to perform the contract with me. ठीक है, so there should be no pressure.
ओके तो फ्री कंसेंट के बारे में पढ़ना है, और यहाँ पर जो पांच चीजें दी हुई है ना, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, अगर इन पांचों चीजों में से कोई एक भी एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो कंसेंट फ्री नहीं होता है। ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है, अगर फ्रॉड होगा तो कंसेंट फ्री होगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। अगर आपने मिस रिप्रेजेंट करके सामने वाले इंसान को बताया है कुछ, ओके, तो वहां पर भी कंसेंट फ्री होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई टेल यू दैट मैं आपको एक सेकेंड हैंड वॉशिंग मशीन बेच रही हूँ, ठीक है, जो कि 2 साल पुरानी है, पर मैंने आपको बताया क्या दैट इट इज जस्ट 3 मंथ्स ओल्ड? ठीक है, तो यहाँ पर आई हैव मिस रिप्रेजेंटेड माई सब्जेक्ट मैटर, एक्चुअली में कितनी पुरानी है, 2 साल, पर मैंने आपको बताया कितना, सिर्फ 3 महीने, तो यहाँ पर मैंने मिस रिप्रेजेंट किया। तो अगर आपने हाँ कहा है, सो व्हाई हैव यू टोल्ड मी अ यस बिलीविंग दैट इट इज जस्ट 3 मंथ्स पुरानी, बट एक्चुअली में तो 2 साल पुरानी है, तो यहाँ पर भी मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ, राइट? तो यहाँ पर कंसेंट फ्री होगा का? नहीं होगा। यू हैव कंसेंटेड बिकॉज यू बिलीव्ड ऑन व्हाट आई सेड, और मैंने बोला क्या, सिर्फ 3 महीने पुरानी है, तो यहाँ पर मैंने मिस रिप्रेजेंट किया। फिर अगर मिस्टेक है तो वहां पर भी कंसेंट फ्री हो गया क्या? नो। इन्फ्लुएंस, मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया है, ओके, बस सम ऑफ द अदर वे, ये हम पढ़ने वाले हैं, वो इन्फ्लुएंस वाला, हिप्नोटाइज, वो सब चीजें नहीं है, इट्स अ अनड्यू इन्फ्लुएंस, वील स्टडी अबाउट दैट। ठीक है, तो आई रिपीट व्हाट आई जस्ट सेड, अगर इन पांचों चीजों में से कोई एक चीज भी प्रेजेंट है तो कंसेंट फ्री नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब क्या, यहाँ पर दे आर स्पीकिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर, लिख लो चाहिए तो, ऑब्जेक्ट मतलब क्या, सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहे हैं, एंड ऑल्सो दे आर स्पीकिंग ऑफ इंटेंशन, ये दोनों चीजें हम देखने वाले हैं, सब्जेक्ट मैटर एंड इंटेंशन। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय अनलॉफुल कंसिडरेशन? कैन यू गेस अनलॉफुल कंसिडरेशन मतलब क्या होगा? कंसिडरेशन वर्ड तो हमको पता है कि पैसे, करेक्ट? तो अनलॉफुल कंसिडरेशन क्या होगा? हाउ कैन अ कंसिडरेशन, हाउ कैन मनी बी अनलॉफुल? आज अगर हम लोग बेटिंग करते हैं, ठीक है, और मैंने ये बेट किया है दैट इंडिया विल विन द मैच, ठीक है, आपने बोला है कि नो इट विल लूज, और इंडिया एक्चुअली में जीत जाती है, तो आप मुझे पैसे दोगे, अब वो पैसे लॉफुल है या अनलॉफुल है? अनलॉफुल है, दैट इज अनलॉफुल कंसिडरेशन। ठीक है, और लास्ट क्या है? अग्रीमेंट्स डिक्लेयर्ड एज वॉइड, कौन से अग्रीमेंट्स हैं जो लॉ ने आपको खुद से ही बताए हैं कि ये वॉइड है? तो इसकी एक लिस्ट है विच वी आर गोइंग टू सी इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट। ठीक है, चलो कम टू द इंट्रोडक्टरी पार्ट, आज सिर्फ हमको पढ़ना है, देयर इज नो लर्निंग पार्ट एज सच। ओके, आई विल जस्ट रीड, अगर आपको बीच में डाउट आता है तो आप पूछ लेना। ठीक है, ओके, फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी अ वैलिड वन इट हैज टू हैव सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स। अच्छा, कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं? हमने फर्स्ट यूनिट में ही पढ़े हैं क्या, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फिर उसके बाद प्रॉमिस बन जाता है, करेक्ट? फिर प्रॉमिस में आप ऐड क्या करते हो, कंसिडरेशन, फिर क्या बन जाएगा, अग्रीमेंट, फिर अग्रीमेंट के अंदर इन्फोर्सिबिलिटी होनी चाहिए, फिर वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारे क्या है, ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है, सो दीज ऑल एसेंशियल्स शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, ओके, वी हैव ऑलरेडी सीन इन द अर्लियर यूनिट्स, कौन से यूनिट में देखा है, ये फर्स्ट यूनिट में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट विच वी हैव डेल्ट अर्लियर इज ऑफर, करेक्ट? सबसे पहले चीज क्या आती है, ऑफर आता है, जब हम डायग्राम भी बनाते हैं उसमें सबसे पहले चीज क्या आती है, वैलिड एंड लीगल ऑफर, करेक्ट? उसके बाद क्या आता है, एक्सेप्टेंस आता है, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस को प्लस करके क्या बन जाएगा, प्रॉमिस, करेक्ट? प्रॉमिस बनता है, प्रॉमिस में आप क्या ऐड करते हो, कंसिडरेशन, करेक्ट? आगे क्या लिखा है, लेट अस नाउ सी इन डिटेल द रिमेनिंग एसेंशियल एलिमेंट्स मेंशन्ड इन सेक्शन 10 ऑफ आईसीए। ठीक है, अब देखो कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी केपेबल, केपेबल मतलब क्या, दे शुड हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी मतलब क्या, दे शुड बी मेजर, करेक्ट, सेन होने चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, दे शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कोर्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कैपेसिटी, कि दे कैन इजिली परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो,
पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट फ्रीली कंसेंट, मतलब कोई प्रेशर होना चाहिए क्या? नहीं, फ्री कंसेंट होना चाहिए. देखो क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी परफॉर्म्ड विद फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज. ठीक है, इसके बारे में डिटेल्ड में है इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक एक सेंटेंस दिया हुआ है. नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी मेड विद लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन. ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड. ये जो हमने लास्ट में पढ़ा ना, तो अगर आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जो इस लिस्ट में आता है, ये लिस्ट में आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए, राइट? क्योंकि ये लिस्ट में वही चीजें आती हैं जो लॉ ने खुद से होके मना की हैं, दैट दे आर कंसिडर्ड टू बी वॉइड. ठीक है, सो दे शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड बाय द लॉ. ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स है. लर्निंग पार्ट इसमें कुछ नहीं है, बस दो बार पढ़ के खत्म करना है. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज. तो जब भी मैं वर्ड कैपेसिटी बोलूं, आपको याद क्या करना है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कैपेसिटी? दैट दे शुड बी मेजर. ठीक है, साउंड माइंड के होने चाहिए, मतलब इनसेन नहीं होने चाहिए. ठीक है, एंड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कोर्ट. लेट अस रीड व्हाट डज द वर्ड कैपेसिटी मीन. कैपेसिटी मीन्स कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज टू एंटर इन टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, एन अग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एंटर्ड बिटवीन पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. और पार्टीज जो कॉम्पिटेंट है वो कौन से हैं? देखो, फर्स्ट वाला, एज ऑफ मेजोरिटी मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड. ठीक है, एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ. ठीक है, तो दीज थ्री शुड बी, दे आर द बेसिक, यू नो, बेसिक रिक्वायरमेंट्स विच पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू हैव. ठीक है, मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड, एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग. अच्छा, सेक्शन 10 क्या बोलता है? सेक्शन 10 स्पीक्स ऑफ कैपेसिटी ऑल्सो. आगे क्या लिखा है? सेक्शन 11 डिक्लेयर्स द फॉलोइंग पर्संस टू बी इनकम्पिटेंट. अब ये इनकम्पिटेंट लोग कौन है? इन लोगों के उल्टे होंगे इनकम्पिटेंट. अगर ये तीन लोग कम्पिटेंट हैं तो इनकम्पिटेंट कौन होंगे? इसके उल्टे कम्पिटेंट कौन है? मेजर. तो इनकम्पिटेंट कौन होगा? माइनर, राइट? अब यहाँ पर साउंड माइंड कम्पिटेंट है, तो यहाँ पर अनसाउंड माइंड इनकम्पिटेंट होगा. यहाँ पर नॉट डिस्क्वालिफाइड है, तो यहाँ पर क्या होगा? पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. ठीक है, बस उल्टा लिखा हुआ है. तो आप कौन सा भी एक चूज करके लिख सकते हो. ठीक है, देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा है, एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज एंटर्ड बाय द अबव. बाय द अबव मतलब क्या? अगर कॉन्ट्रैक्ट ये तीनों में से कोई एक इंसान बना रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली क्या हो जाएगा? वॉइड. ठीक है, ओके. अब हमको ये जो तीन लोग है ना, माइनर, अनसाउंड माइंड एंड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, इन तीनों के बारे में इंडिविजुअली हमको अलग अलग से पढ़ना है. ठीक है, तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ माइनर. एक बस ये केस स्टडी देख लेंगे एंड देन वील स्टॉप. ओके, चलो देखो माइनर. हु इज अ माइनर? माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875. तो मेजॉरिटी इज गिवन इन विच एक्ट? इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875. ये बताता है कि कौन मेजर होगा और कौन माइनर कहलाएगा. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखो दिया हुआ है, अ माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज. ठीक है, हाउएवर द एक्ट आल्सो प्रोवाइडेड दैट इन द फॉलोइंग टू केसेस पर्सन इज सेट टू अटेन मेजॉरिटी एट द एज ऑफ 21 इयर्स. अभी दो कौन से केसेस हैं वो देख लो. ये दोनों केसेस में आपको 21 इयर्स तक रुकना है, उसके बाद आप मेजर बनोगे. यूजुअली व्हाट इज द एज ऑफ मेजॉरिटी? 18, करेक्ट. बट ये दो केसेस ऐसे हैं जहां पर 21 इयर्स तक यू विल बी कॉल्ड एज अ माइनर, उसके बाद यू विल टर्न अ मेजर. अब देखो कौन से दो केसेस हैं. फर्स्ट केस देखो, वेयर कोर्ट हैज अपॉइंटेड अ गार्जियन ऑफ द माइनर, माइनर पर्सन्स और प्रॉपर्टी और बोथ. जहां पर कोर्ट ने एक गार्जियन अपॉइंट किया है माइनर के लिए या माइनर की कोई प्रॉपर्टी के लिए या दोनों के लिए. ठीक है, जहां पर एक गार्जियन, हु इज अ गार्जियन? आपको याद है वो हमको रिपोर्ट कार्ड में लिखा होता था, पेरेंट्स सिग्नेचर ऑब्लिक गार्जियन सिग्नेचर. हु इज अ गार्जियन? हु टेक्स केयर, राइट? अब बहुत बार ऐसा होता है ना दैट अ चाइल्ड इज नॉट लिविंग विद हिज और हर पेरेंट्स बट इज लिविंग विद आंट अंकल. ठीक है, तो ऐसे
ऐसे केसेस में जहां पर कोर्ट ने गार्जियन अपॉइंट किया है हु टेक्स केयर ऑफ द माइनर और हिज प्रॉपर्टी और बोथ. ठीक है, सो गार्जियन इन शॉर्ट इज अ पर्सन हु टेक्स द केयर एंड कस्टडी ऑफ द माइनर एंड हिज प्रॉपर्टी. ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ गार्जियन. तो अगर कोर्ट ने माइनर के लिए कोई गार्जियन अपॉइंट किया है तो उस केस में मेजोरिटी कितनी होगी? एट द एज ऑफ 21. ठीक है, दिस इज केस नंबर वन. केस नंबर टू देखो, वेयर द माइनर्स प्रॉपर्टी हैज बीन प्लेस अंडर द सुपरिंटेंडेंस ऑफ कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स. व्हाट डू यू मीन बाय सुपरिंटेंडेंस? सुपरविजन. जहां पर माइनर की जो प्रॉपर्टी है वो कोर्ट के अंडर में है, अंडर सुपरविजन. ठीक है, देखो ब्रैकेट में लिखा है एक्सरसाइज ऑफ सुपरविजन ओवर. तो ये दो केसेस हैं जहां पर मेजोरिटी की एज क्या होगी? 21 ईयर्स, और यूजुअली क्या होती है? 18 ईयर्स. ठीक है, ओके, ये हम लोग बाद में पढ़ते हैं डिटरमाइनिंग. मुझे ना बस एक चीज कंफर्म करके बताना वेदर दिस पॉइंट is given in your module or not. ठीक है, just tell me. Till then I'll start with this point. Just someone tell me in the chat box whether this is given in your module or not. Determining the age of majority. ठीक है, आप तब तक बताओ. I'll start with this first point. Okay. अच्छा, first point का देखो heading क्या है. Yes, it's given. Okay, ठीक है, चलो ठीक है, कर लेंगे वो. Come to point number one first. Agreement entered into by a minor is void ab initio. Do you agree to this? Do you agree to the subheading? कि अगर minor कोई agreement करता है तो वो void होगा और void ab initio होगा. What is the meaning of ab initio? Ab initio का मतलब क्या होता है? It is a Latin phrase which means what? Void right from the beginning. लिख लो वहां पर. Ab initio का मतलब क्या होता है? Void right from the beginning. Right from the start or right from the beginning. Correct. Void from the starting. Void right from the beginning. कुछ कुछ ऐसे agreements होते हैं जो eventually void हो जाते हैं, पर माइनर के साथ अगर आप अग्रीमेंट करते हो तो स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं वो. ठीक है, तो ये याद रखना कि अगर माइनर के साथ कोई अगर आप अग्रीमेंट कर रहे हो सो दैट इज वॉइड, दैट इज वॉइड, दैट इज फॉर श्योर, पर इट इज वॉइड अब इनिशियो. ठीक है, इट इज वॉइड अब इनिशियो. ठीक है, लेट अस रीड क्या दिया हुआ है. अग्रीमेंट बाय माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड, void ab initio and inoperative. Inoperative मतलब क्या? क्या आप कभी उसको execute कर पाओगे? नहीं, उसका जो essence है वो void ही है. Void तो है ही है ही, void ab initio है. That is void right from the beginning. ठीक है? क्या लिखा है? Does an agreement entered by a minor does not qualify to become a contract. Underline कर लो. Does not qualify to become a contract and hence is void. Does not qualify to become a contract and hence void. ठीक है, come to the example. Okay, अब ये example में जो citation है ये आपको learn करना है. क्या दिया हुआ है? मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष. अब देखते हैं इसमें क्या है इसका facts. देखो हर case को ना इन्होंने 3 points में लिखा है. First क्या है? Facts. Okay. फर्स्ट इज फैक्ट्स ऑफ द केस, फिर है इश्यू क्या हुआ था, और फाइनली कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया. ठीक है, तीन हिस्सों में डिवाइडेड है पूरा केस. ओके, तो मैं यहां पर लिख लूंगी जो जो फैक्ट्स हम पढ़ते जाएंगे. ओके, क्या लिखा है? मिस्टर ए अ माइनर, मिस्टर ए अ माइनर मॉर्गेज्ड हिज हाउस फॉर ₹20,000 इन फेवर ऑफ बी हु इज अ मनी लेंडर. ठीक है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ आपको. तो यहाँ पर ए कौन है? ए इज द माइनर एंड बी इज द मनी लेंडर. ठीक है, अब ऐसे समझ लो जो ए है ना उसको पैसों की जरूरत थी. हु इज ए? ए इज द माइनर, करेक्ट. और बी कौन है? बी इज द मनी लेंडर.
ठीक है, तो ऐसा समझ लो कि जो ए है उसको पैसों की कुछ जरूरत थी, ठीक है, तो इसने मनी लेंडर से पैसे मांग लिए, ठीक है, कितने मांगे, 20,000 रुपए। तो सपोज इसको माइनर को जरूरत कितनी है, 20,000 रुपए की। अच्छा, अब ये जो बी है वो पैसे ऐसे ही देगा क्या? नहीं, तो क्या किया है, ए ने इसको अपना घर दिया है सिक्योरिटी के तौर पर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ हाउस, क्या लिखा है, ही मॉर्गेज हिज हाउस फॉर ₹20,000 इन फेवर ऑफ बी हुज अ मनी लेंडर। अच्छा, ये मनी लेंडर के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट हम अज्यूम करते हैं कि ये मेजर होगा, राइट। माइनर कौन है, मिस्टर ए इज माइनर और बी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने अब तक क्या डिस्कस किया है, दैट ए नीडेड ₹20,000, ठीक है, उसने किससे पैसे मांगे, बी से पैसे मांगे, हुज अ मनी लेंडर। अच्छा, मनी लेंडर ऐसे ही तो पैसे नहीं देगा, वो सिक्योरिटी के फॉर्म पे कुछ तो मांगेगा, तो माइनर ने सिक्योरिटी के तौर पर क्या रख दिया है, अपना घर गिरवी रख दिया है, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय द वर्ड मॉर्गेज, गिरवी रख देना, ठीक है, हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डिस्कस किया था, ठीक है। अब आगे देखो क्या हुआ। अच्छा, मनी लेंडर ने उसको फॉर द टाइम बीइंग 20,000 में से कितना पे किया है, हु पेड हिम 8,000 रुपीज, ठीक है, पूरा 20,000 एक साथ नहीं दिया मनी लेंडर ने, उसने पहला कितना दिया है, 8,000 रुपए, मतलब 12,000 अभी भी क्या है, पेंडिंग है, करेक्ट, पर 8,000 तो दे दिया मनी लेंडर ने। ओके, अब आगे देखो क्या हुआ। सब्सिक्वेंटली द माइनर स्यूड मिस्टर बी द मनी लेंडर फॉर कैंसिलेशन ऑफ मॉर्गेज ऑन द ग्राउंड ऑफ माइनॉरिटी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ मॉर्गेज डीड। मतलब क्या, यहाँ पर 8,000 तो मिल गए माइनर को, 8,000, और नाउ विद द माइनर मनी लेंडर ने उसको 8,000 दे दिए। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, ये मनी लेंडर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता है, ठीक है, हु वांट्स टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, द मनी लेंडर वांट्स टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। अब कैंसिलेशन के बाद माइनर वांट्स टू स्यू हिम, क्या लिखा है यहां पर मैं अंडरलाइन करती हूँ, मिस्टर ए हु इज द माइनर स्यूड मिस्टर बी, तो स्यू किसने किया, माइनर ने मनी लेंडर को स्यू किया। क्यों स्यू किया, बिकॉज मनी लेंडर वॉन्टेड टू कैंसिल द मॉर्गेज डीड, ओके, ऑन द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है कि इसको 8,000 दे दिए, उसके बाद ना ये जो मनी लेंडर है इसको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, कैंसिल करने के बाद माइनर इसको स्यू करता है, ठीक है। स्यू करना मतलब का क्या होता है, इसका मतलब कोर्ट में लेके जाना, इफ आई टेल यू आई विल स्यू यू दैट मीन्स आई विल ड्रैग यू टू द कोर्ट। अच्छा, अब नाउ बिफोर रीडिंग द इश्यूज एंड बिफोर रीडिंग द डिस्कशन, सपोजिटली ऐसे मान लो कि मैं माइनर हूँ, आप मनी लेंडर हो, ठीक है, आपने मुझे 8,000 दे दिए और अब आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हो, ठीक है, या कैंसिल करना नहीं, कैंसिल कर दिया आपने, नाउ आई वांट टू सू यू, तो मैं आपको कोर्ट में लेके जाती हूँ, ठीक है, डू यू थिंक कि कोर्ट मुझे एंटरटेन करेगा, डू यू थिंक कोर्ट मुझे एंटरटेन करेगा, यस और नो टेल मी, नहीं करेगा ना ऑब्वियसली। अच्छा, क्यों नहीं करेगा बताओ, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज वो मुझे ही बोलेगा कि भाई तुम माइनर हो, तुम कॉन्ट्रैक्ट पहली बार तो एंटर कर नहीं सकते हो, उसके बाद तो स्यू कर रहे हो, ठीक है। लेट अस रीड क्या दिया हुआ है। ओके, इश्यू क्या है, मनी लेंडर प्लीडेड दैट माइनर हैड ऑलरेडी रिसीव्ड पार्ट ऑफ द अमाउंट एंड हेंस माइनर वाज आस्क्ड टू रिटर्न द अमाउंट एडवांस्ड। अच्छा, यहाँ पर ना मनी लेंडर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के बाद क्या बोलता है, मैंने तुझे 8,000 दे दी है, वो तू मुझे वापस दे दे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मनी लेंडर ऐसा कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि तू माइनर है, मैंने तुझे पहले ही 8,000 दे दिए, तो अब तू मुझे वो रिटर्न कर ले, तो अभी मनी लेंडर अपने पैसे वापस मांग रहा है, रिटर्न द अमाउंट एडवांस्ड। यहाँ पर एडवांस कितना दिया था, 8,000, ठीक है। अब देखो डिसीजन क्या हुआ, द कोर्ट हेल्ड दैट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 एंड 11 ऑफ द ICA अ माइनर इज इनकम्पिटेंट, करेक्ट, ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, हम उसके साथ अगर अग्रीमेंट करोगे तो वो क्या होगा, void ab initio, right, that is void since the beginning, there was no question of refunding or returning the amount advance, तो अब ये 8,000 minor उसको वापस देगा क्या, the answer is no, क्या लिखा है, there is no question of refunding or returning the amount advance as per the agreement itself is void, तो आप कोर्ट में जाके ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो कि भाई मुझे ना पता ही नहीं था कि आप माइनर हो, पता होता तो मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनाता, तो ये तो एक्सक्यूज फिर हर कोई देगा, राइट। तो इसलिए क्या कहते हैं, बिफोर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद समवन चेक वेदर अ पार्टी इज कंपीटेंट और नॉट, ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू चेक वेदर यू आर द अदर पार्टी इज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट और नॉट,
तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जो 8,000 एडवांस में दिए थे क्या ये माइनर रिटर्न करेगा उसको? द आंसर इज नो, माइनर उसको नहीं रिटर्न करेगा, बिकॉज लास्ट लाइन व्हाट डज इट से, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिफंडिंग और रिटर्निंग द अमाउंट एडवांस एज पर द अग्रीमेंट इटसेल्फ इज वॉइड। ठीक है, व्हाट इफ द